हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बायो सेवर्ट लॉ के बारे में हम बताते हैं, जो कि 10th क्लास की फिजिक्स में और 12th क्लास की फिजिक्स में भी है। तो बायो सेवर्ट लॉ देखिएगा, बायो सेवर्ट लॉ जो है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यूज किया जाता है। देखिए, इन 1820 साइंटिस्ट ओस्टेड एक्सप्लेन दैट कि व्हेन करंट फ्लोइंग इन ए वायर देन ए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट अराउंड इट। मतलब ये हुआ, जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो ओस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बता दिया था कि किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको निकालने के लिए यूज किया गया बायो सेवर्ट लॉ। दो साइंटिस्ट हैं, बायो और दूसरा सेवर्ट, इन दोनों ने मिलकर एक लॉ दिया और इस लॉ को हम समझा रहे हैं। जरा देखिएगा, इसमें क्या है, एक इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर है। देखिएगा, ये जैसे इस वायर में करंट फ्लो हो रही है आई, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है आई। अगर हमें इस वायर के छोटे से एलिमेंट, सपोज करो इस वायर की लेंथ बहुत ज्यादा है, हमने इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये जिसको बोल दिया हमने सी डी एलिमेंट लिया और इसकी लेंथ मान ली हमने डेल्टा एल। क्या मान ली? डेल्टा एल। डेल्टा मतलब बहुत छोटी, स्मॉल लेंथ है, इसी वजह से डेल्टा। यहां पे डी भी आ सकता है, डीएल, इसको हम ये भी लिख सकते हैं और करके डीएल, स्मॉल लेंथ। इसका मतलब भी स्मॉल है और इसका मतलब भी स्मॉल। इस स्मॉल लेंथ डेल्टा एल की वजह से एक पॉइंट पी है इस वायर के नियर, एक पॉइंट पी है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमें बताना है। तो हमने क्या काम करा, इस करंट, इसको बोलेंगे करंट एलिमेंट, इसका नाम है बच्चों करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ डेल्टा एल। तो इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो हमको देखना पड़ेगा कि इस वायर से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। मान लिया हमने आर है, ठीक है, हमें देखना पड़ेगा। और दूसरा, करंट एलिमेंट और आर के बीच का जो एंगल है उसको भी हमको देखना पड़ेगा। तो देखिएगा, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से, यहां पे पी पॉइंट पे जो इस करंट एलिमेंट डेल्टा एल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट, वो क्या होगा, वो होगा स्टूडेंट कि देखिए, स्मॉल लेंथ है तो मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल बनेगा, मतलब डेल्टा बी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें फ्लो होने वाली करंट, कितनी करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वायर में फ्लो होने वाली करंट के, डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं किसी वायर में करंट को बढ़ा दूंगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, और अगर करंट को घटा दूंगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी घट जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या बताई, कि डेल्टा बी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट एलिमेंट के, करंट एलिमेंट कितना, डेल्टा एल उसकी लेंथ की।
तो देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस करंट एलिमेंट की लेंथ के, जो भी दो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी वायर की लेंथ को बढ़ाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और लेंथ को घटाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी घट जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये जो एंगल है करंट एलिमेंट और डिस्टेंस आर के बीच का जो एंगल थीटा है, इसके साइन के साथ, साइन रेशियो के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। क्लियर है? फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो है कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा डेल्टा वी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस आर के स्क्वायर के, डिस्टेंस आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखिए फोर नंबर का पॉइंट ये हुआ, अगर हम तीन फोर्थ इक्वेशन वन इक्वेशन टू थ्री एंड फोर को कंबाइन करें, क्या कर दे कंबाइन, तो क्या होगा डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कॉन्स्टेंट लेंगे, जैसे डेल्टा बी इक्वल एक कॉन्स्टेंट लिया हमने म्यू जीरो अपॉन फोर पाई, या इसको बोलते हैं म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हुआ बायो सेवर्ट का फॉर्मूला जो उसने किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दिया था। यूनिट रही मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, और जहां पे म्यू जीरो अपॉन फोर पाई की वैल्यू है 10^-7, ठीक है 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, वेयर म्यू जीरो इज मैग्नेटिक परमीबिलिटी, परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। तो ये हुआ देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट। इसकी हेल्प से ही हम किसी स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसको निकाल सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको समझाता हूं बायो सेवर्ट की हेल्प से हम किन किन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर बायो सेवर्ट लॉ को पढ़ना है।